अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। तो ये है चांद रात का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं चांद रात से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो चांद रात तो मेहंदियों से होती है, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे मेहंदियाँ लगवाने। चांद रात का तो मज़ा असल में मेहंदी लगवाने की है। तो यहाँ कुछ लोग शॉपिंग पे चले जाते हैं, कुछ लोग आउटिंग पे चले जाते हैं चांद रात एंजॉय करने के लिए। तो हमारे घरों में तो बस मेहंदी वाली आ जाए, लड़की को बुलाओ या खुद बैठ के लगाओ तो मेहंदियों का मज़ा आता है। तो आज का व्लॉग जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए आपने मेरे व्लॉग को एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, कैसा आप लोगों का दिन था, कैसी चांद रात थी। यहाँ पे मामा भी मेहंदी लगवा रही हैं। हमने यूनिफॉर्म पहनना है मेहंदी का। और दिस इज आमना मेहंदी, दिखाओ आमना, शो मी योर मेहंदी बेबी। इतना आसान है लोग। दिस इज अरीशा, और अरीशा उस वक्त सिर्फ मोबाइल देखना है, और ये आमना की फ्रेंड है। और आमना जा रही है तो अरीशा कह रही है मुझे मोबाइल खोल के दिखा, खोल के दे जाओ। मेरी नेल पेंट नो इग्नोर करो। अच्छा जी, रमज़ान गुजर गया, चांद रात गुजर गई और आ गया ईद का दिन। यहाँ पे मैंने बस आमना को तैयार किया, बच्चे तैयार हो जाए ना तो पीछे से आराम से सुकून से बाकी काम हो जाते हैं। और सेवियाँ शेवियाँ मुझे लगता है आप लोगों ने भी खा ली होंगी, हमने भी खा लिया, पर मीठा इतना ज़्यादा था ना क्या बताऊँ। और ये है जी मेरा ईद का ड्रेस, ब्यूटीफुल सा माय फेवरेट कलर, आजकल मस्टर्ड कलर मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। तो बस मेरा ये मस्टर्ड कलर का ड्रेस है, चिकनकारी का। आपको पता है बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने कहा मैं भी एक चिकनकारी का ड्रेस ज़रूर पहनूंगी। तो इसके साथ बड़ी खूबसूरत का जो है ना वो नेट का बना हुआ दुपट्टा है, और ये मैंने ऑनलाइन जो है ना किसी पेज से मंगवाया है। अगर आप लोगों को मंगवाना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, ऐसे फ्री में नहीं देने वाली। तो साथ मैंने मस्टर्ड शूज़ पहनूंगी और मेरा प्यारा सा आउटफिट। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अनु नहीं अच्छा लग रहा तो फिर भी खैर है, मेहनत अच्छा लग रहा है ना। खैर एनीवेज, यहाँ पे ना जो हमारे अंदर वाला हथेलियाँ है ना, वहाँ पे मेहंदी नहीं लगी हुई थी, तो मैंने कहा यार इनको खाली क्यों छोड़े। तो यहाँ पे हम वो जो सस्ती वाली हरकतें नहीं होती वो कर रहे थे। यहाँ पे एक साइड पे मैं मामा के लिए लव शव बनवा रही थी, दूसरी तरफ मैंने अपना और अपने बंदे का नाम लिखवाया, और इतना मज़ा आया। मैंने कहा ये वाले हाथ खाली नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाहर आजकल ट्रेंड ही है कि बाहर हाथों पे मेहंदी लगी हुई हो, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा दिल किया, मैंने कहा चलो यार अंदर वाले हाथों पे जो है ना हम नाम शाम लिख लेते हैं, ताकि हमारे ये वाली हाथ भी जो है ना खाली ना रहे। तो बस यहाँ पे ये चल रहा था सीन। और उसके बाद थोड़े हमने चूड़ियाँ चूड़ियाँ पहनी, गजरे शजरे पहने। ये वैसे चांद रात की वीडियो क्लिप है और मेरी बहन यहाँ पे बैठ के शूट कर रही थी। इतना कोई उसको कमाल का स्किल है ना फोटोग्राफी करने का, ऐसे वीडियो बनाती है ना कमाल कर देती है। मैं कहती हूँ मुझे व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, असल व्लॉगिंग तुम्हें करनी चाहिए थी। खैर एनीवेज, ईद का दिन है और खाने पीने का टाइम। पता है आपको ईद का दिन इतना थकाने वाला होता है ना, पता नहीं क्यों मैं तो ईद वाले दिन कुछ एक्स्ट्रा ही थक जाती हूँ। मतलब सुबह का भाग दौड़ी होती है ना, बच्चों को तैयार करो, खुद तैयार हो, और बस रेस्ट नहीं करनी, पता है जी ईद है, फिर उसके बाद खाना खाओ। तो वो इतना थकाने वाला दिन मुझे फील होता है ना। यहाँ पर हम लोगों ने बनाया जी ये कोई चिकन रोस्ट था, बड़ी मज़ेदार सा, अलबाइक पता नहीं कौन सी इसकी रेसिपी थी, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मेरी बहन जो है अपनी मज़ेदार सी चटनी बना रही है, और ये हमारा क्रिस्पी चिकन फ्राइड तैयार हो रहा है साथ, और साथ हमारी बिरयानी भी बन रही है। इसकी रेसिपी मेरा बड़ा दिल था शूट करने का, तो फिर मैंने कहा ये व्लॉग जो है ना बड़ा लंबा हो जाना है, ईद व्लॉग कभी फिर जब कुकिंग शुकिंग का हुआ ना मूड तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलो बूबू, क्या हुआ, आर यू हंग्री? ये देखिए जी, हमने अमना का नाम लिखा, मैंने अपना और बाबा का नाम, और अमना ने ख़राब कर दिया। क्यों ख़राब किया, गुस्से में आके? दूसरी मेहंदी दिखाओ, ये कितना प्यारा है। चलें जी, फाइनली हमारा तो खाना शाना तैयार हो गया। यहाँ पे बिरयानी का दम निकल आया, बिरयानी के चावल थोड़े से मन से ख़राब हो गए थे, और लेकिन ओवरऑल टेस्ट इतना कोई मज़े थका था, इतनी यम्मी बिरयानी थी। उफला मेरे अभी व्लॉग एडिट करते हुए दोबारा मेरा दिल कर रहा है कि मुझे बिरयानी मिले और मैं खाऊँ। और ये चिकन ब्रोस्ट इतना कोई डिलीशियस था ना कसम से, उफ तोपा, मज़ा आ गया खा के। और बस ये ईद का खाना तो खैर बड़ा मज़ेदार था, और जिसको हम खा के ऐसे सोए कि फिर शाम को उठे, और शाम को जब उठे तो इतनी मज़ेदार बारिश हुई, इतने मज़े के बादल थे, इतनी ठंड होगी ना, मतलब ठंड ऐसी होगी कि लोन के कपड़ों में अब ठंड लग रही थी।
तो खैर एनीवेज, पर इतने मज़ेदार मौसम को हम ऐसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे। तो हमने कहा चलो भाई बैठो गाड़ी में और चलते हैं कहीं खूब सारा इंजॉय करने। तो हम बाहर सड़कों पे निकल आए और ये पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही हैं दोनों बैठ के मिल के तो लेकिन बड़ी मज़ेदार गीली गीली सड़कें, ठंडी या हवा और बारिश भी हो रही थी, लेकिन अब इस टाइम जो है ना थोड़ी थोड़ी रुक चुकी है बारिश। वैसे इस दफ़ा तो थ्रू आउट रमज़ान के महीने में भी जो है ना बारिशें होती रही और इतना मज़ेदार मौसम रहा है ना, और ईद वाले दिन भी बारिश हुई है और बिल्कुल ठंडा और चिल माहौल हो गया। वरना पिछले कुछ सालों से ईदें तो इतनी गर्म थी ना, मतलब कुछ भी तैयार श्यार होने का दिल ही नहीं करता था। तो ऊपर आसमान देखे मैंने सोचा आप लोगों को भी प्यारा सा व्यू इन्जॉय करवाती हूँ, बड़ा खूबसूरत मज़ेदार मौसम बना हुआ था, व्यू अच्छा लग रहा था। यहाँ पर जी हमें आइसक्रीम नज़र आई तो आमना कहे मैंने आइसक्रीम खानी है, तो हम यहाँ पे आइसक्रीम लेने के लिए रुके और इतनी तोबा उफल्ला महंगी थी, जो मतलब 60-70 वाली थी वो उन्होंने 150-200 की लगाई हुई थी, और इतना कोई गजबनाक किस्म का रश था बाहर। और मैं सोच रही थी यार बंदे आज के दिन भी घर नहीं बैठे, मतलब ऐसे मौसम ठंडा हुआ। मुझे तो लगता है शायद मौसम ठंडा होने की वजह से सारे लोग जो है ना वो घरों से बाहर निकल आए, आउटिंग के लिए निकल आए। ये हमारे ना मतलब घर के पास ही एक फूड पॉइंट सा बना हुआ है जहाँ पे हम गए हुए थे, हमें बड़ा मज़े की मतलब सारी फ्रेंचाइजीज़ वगैरह, तो हमने फिर KFC ऑर्डर किया और KFC पे खड़े होने की जगह नहीं थी। खैर हमने तो अपना वहाँ से ऑर्डर पिक किया और बाहर आके हम मज़ेदार से ठंडे ठंडे मौसम में घास पे बैठ के हमने अपने फ्राइज़ और ये सारी चीज़ें इंजॉय की। हमने हमारा कोई डील बॉक्स था जिसके अंदर पीस वगैरह थे और बस फ्राइज़ खाने का, खाना तो पहले ही खाया हुआ था, लेकिन यह कि बाहर जाओ और मुँह तो रुक नहीं सकता तो मुँह तो चलाना ही चलाना है, तो यहाँ पे बैठ के फ्राइज़ और जो है ना ये क्रिस्पी चिकन फिर इंजॉय कर रहे थे। मामा कहती है घर भी वही चिकन खाया और घर बाहर आके भी वही चिकन खा रहे हो। मैंने कहा चिकन ही खाना, चाहे जिस फॉर्म में मर्जी है खाओ, पुट्ठा करके खाओ, सीधा करके खाओ, चिकन खाना है। तो ये साथ कोई पैट वो था चिकन रैप वगैरह बने हुए थे वो था, फिर एंड पे दोबारा आइसक्रीम हमने खाई, मतलब आइसक्रीम खाने का ही आज हमारा दिन था, जैसे हमने बार बार आइसक्रीम ही खानी है। खैर एनीवेज हमारा जो ईद का दिन है वो बहुत ही खुशगवार और बहुत ही मज़ेदार गुजरा होगा। आई होप आप लोगों को भी ईद बहुत बहुत अच्छी गुजरी होगी। व्लॉग के नीचे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।